रेड मैजिक 3S के बारे में। दोस्तों, ये मोबाइल तो हमको काफ़ी अच्छा लगा है देख के, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है। उसका जो दोस्तों रैम है वो 12 GB का है, और उसका जो स्टोरेज आता है वो 256 GB UFS 3 के साथ आता है। और इसका दोस्तों जो कैमरा है उसका मेन 48 MP का है, और उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 60 MP का साथ आता है। दोस्तों, उसका बैटरी का बात करें तो 5000 mAh का बैटरी है, और उसका जो कूलिंग है एक्टिव लिक्विड कूलिंग है, वो तो मोबाइल के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसका डिस्प्ले का बात करें तो 90 Hz का डिस्प्ले आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और उसका जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम का 855 प्लस प्रोसेसर है, वो भी बहुत खास करके ये फ़ोन बनाया गया है गेमिंग के लिए। और जो उसका बीच में एक बटन है वो भी गेमिंग के लिए है, और जो ऊपर में एक बटन है दोस्तों वो भी गेमिंग के लिए है। वो तो पबजी लवर जो है वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। अगली खबर है दोस्तों K20 Pro की। K20 Pro दोस्तों काफ़ी पुराना हो गया है, तब भी मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है, और वो फ़ोन भी दोस्तों गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग आराम से उसको कम रेट में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उसका जो रैम का वेरिएंट आता है वो 6 GB और 8 GB में आता है, और उसका जो स्टोरेज आता है वो 128 GB और 256 GB के साथ आता है। दोस्तों, उसका जो प्रोसेसर है वो भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर है, और उसका दोस्तों जो कैमरा है वो 48 MP प्लस 13 MP प्लस 8 MP ट्रिपल कैमरा के साथ आता है। दोस्तों, उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 20 MP के साथ आता है, और उसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और उसमें 27 W का चार्जर भी सपोर्ट करता है। और बैटरी का है तो उसमें 4000 mAh का बैटरी है। दोस्तों, नूबिया जो मैजिक 3 है उसका परफॉर्मेंस से हमको ज़्यादा K20 Pro का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, क्योंकि उसका जो दाम है वो भी बहुत ज़्यादा है, और K20 Pro जो है वो नूबिया से दाम बहुत कम है। और उसका जो हीटिंग प्रॉब्लम है, इसमें हीटिंग भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, पबजी भी बहुत अच्छा से चलता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आने वाले जितना वीडियो है आपको। अगली खबर है MI की तरफ से। MI ने फिर से 8 मई को TV लॉन्च करेगा, एक और एक जो है ब्लूटूथ हेडफोन लॉन्च।